जय हिंद। मैं अरविंद राय और हम लोग जहाँ ड्यूटी लगी है, राजा रतन सेन स्मारक इंटर कॉलेज का ये प्रांगण है और यहीं पे हमारे क्या नाम है मजिस्ट्रेट सर हैं, ये सुधीर जी हैं और इन्होंने पीजीटी केमिस्ट्री से क्या नाम क्वालिफाई करके ज्वाइन किया था और इनसे ही जानेंगे आज कि इन्होंने तैयारी कैसे की और कैसे इन्होंने सिलेक्शन लिया, क्या क्या इनके सब प्रॉब्लम आई और शादी से पहले किया कि शादी से बात किया। तो मेरा कहने का मतलब ये वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग और इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइएगा। तो अगली आवाज़ हमारे छोटे भाई सुधीर सर की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर बहुत दिनों से मुलाकात हो रहा था हम लोग का, लेकिन ये मीटिंग हो नहीं पा रहे थे कि कब किया जाए, लेकिन चलिए किसी न किसी तरह समय मिल गया और हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं सर के थ्रू। तो जैसा कि बताना है, ये पीजीटी केमिस्ट्री के या टीजीटी साइंस के जो भी अभ्यर्थी हैं और वो इन सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या वे स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री आता है, उनके लिए कुछ बुक्स हैं जिनको वो पढ़ेंगे। तो जहाँ तक अब तक जितने भी कंपटीशन मैंने दिया है केमिस्ट्री से रिलेटेड, सारी उन्हीं किताबों से पढ़ के दिया है और हमने क्वालिफाई भी किया। इसके पहले हम उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में लैब केमिस्ट के पोस्ट पे थे। उसके बाद मेरा 69,000 में प्राइमरी टीचर में हुआ, फिर उसके साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हुआ था साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पर और उसके साथ ही साथ यहाँ पर पीजीटी 2016 में हमारी नियुक्ति हुई थी महाराजगंज ज़िले में। तो बताना ये है कि सबसे पहली किताब ये है कि यूथ कंपटीशन की एक केमिस्ट्री की एक बुक आती है, आप उसको ले करके उस पर ढेर सारा कलेक्शन है KVS NVS DSSSB, ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड उस बुक में उन सारी एग्ज़ाम्स का कलेक्शन है क्वेश्चंस का, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। हम मेरा कहने का मतलब है ये है कि तभी आप उस बुक को पढ़ें जब आपका बेस पूरी तरह से क्लियर हो। अगर आपका बेस पूरी तरह से क्लियर है, आप क्वेश्चंस चैप्टर वाइज लगाना चाहते हैं, तब उस बुक को खोलिए, लगाइए, जो प्रॉब्लम होता है उसमें सलूशन भी दिया रहता है तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप उसको देखिए और मतलब अपने जो भी क्वेश्चन है का आंसर उसको जस्टिफाई करिए। पहली किताब तो ये हो गई। दूसरी किताब एक UPSC की एक किताब आती है PCS की केमिस्ट्री के, पहले होता था प्री वाला एग्ज़ाम जो UPSC का, उसमें केमिस्ट्री और मेंस में तो आता ही रहता है, तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे पहले PCS वाले में, तो वो आपके लिए एक अच्छी किताब रहेगी जिसको मैंने भी पढ़ा है और हमारे जो खास दोस्त हैं कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट किया था ये सारी किताबें जो भी बताने जा रहा हूँ और जो भी बताई हैं, तो वो अब उसी किताबों और अपने कुछ नोट्स की बदौलत वो सिलेक्ट हो गए हैं। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट किताब क्या है कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस जमाने PGT के लिए कर रहे हैं तो UP बोर्ड के स्कूल्स में जो भी केमिस्ट्री की किताबें, जैसे NCERT मोस्टली NCERT लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप UP PGT का जो एग्ज़ाम होता है उसको भी दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय का होता है, अभी केंद्रीय विद्यालय का हो रहा है या हो गया, और नवोदय विद्यालय का भी होता रहता है, तो अब अगर NCERT से अपना बेस अच्छा करके तैयारी करके देते हैं, क्योंकि जो भी इन कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं वो NCERT से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। हमने तो बहुत बार दिया भी और देखा ही है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर सारी चीज़ें एकदम दिमाग में फीड रहती थी उस समय, अब धीरे धीरे डिसअपीयर करता जा रहा है, लेकिन अगर आपकी NCERT अच्छे से तैयार है लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस सेंट्रल के जो भी PGT के एग्जाम उसमें तो पूछा ही जाता है DSSSB तक, लेकिन अब जो स्टेट का जो PGT का एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे UP PGT 2016 वाला दिया था, तो हम लोगों ने पढ़ाया भी है उस समय, तो हम लोग पढ़ाते रह रहे थे तो उसमें देखा था बहुत सारे क्वेश्चन एकदम टू दी पॉइंट बुक से ही पूछ लिया जाता, तब NCERT चलता नहीं था, KN शर्मा था, डॉक्टर पी बहादुर की किताबें चलती थी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि NCERT के साथ साथ या आपके स्कूल में जो भी किताबें चल रही थी पहले भी जो आप पढ़े होंगे अपने समय में, उन किताबों को उठाइए, उनसे अपने सारे चीज़ें बेस जो है अच्छा कर लीजिए, उसके बाद तब हमने जो दो किताबें बता रखी हैं UP PCS केमिस्ट्री वाली और दूसरी यूथ कंपटीशन टाइम्स की केमिस्ट्री आती है
टीजीटी साइंस वाले बच्चे, उसका भी जीव विज्ञान का भी आता है, बायोलॉजी का भी आता है, फिजिक्स का भी आता है, वो भी लेकर के तैयार कर सकते हैं। ये हो गई मेन बातें जो नॉर्मली लोग कहते भी हैं। मैंने उसको किया खुद से, तीनों बुकों को पढ़ा अच्छे से और उसके कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करिए, जो देखूंगा अगर मिलता है तो मैं सर को प्रोवाइड कर दूंगा, आपको मतलब लिंक दे देंगे उसका, देख लीजिएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उसकी एक कॉपी बनाए रहिए, उसमें उनके वे पॉइंट्स जो हिट करते हों, लगे आपको कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स का हमने एक प्रॉपर, बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा नहीं, जिसको आज की भाषा में स्टैटिक जीके या स्टैटिक नोट्स कहते हैं। स्टैटिक नोट्स में क्या होता है, वन लाइनर टाइप कराएगा कि फार्मूला है जूल थॉमसन इफेक्ट का, ठीक है, मेयर्स फार्मूला हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे फार्मूला, गिम्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन हो गया, इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन का दिया जाता है। तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली वो इक्वेशन दे दिया जाता है, अब बच्चे उसको याद नहीं किए रहते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस कहीं इधर का लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में कर दे, तो उसी में बच्चे कन्फ्यूज। तो वो स्टैटिक नोट्स होता है जिसे आप स्वतः खुद प्रिपेयर करके अपना अपने हिसाब से जो आपको लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत ईजी होती हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, आप अपने माइंड मेकअप कर लीजिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे केमिस्ट्री में होता है बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन को आपको दिमाग में याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे करें कैसे ना करें, बस उसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब बफर सॉल्यूशन के कौन कौन से एग्जांपल, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन यही सारी चीज़ें जब तक आप अपना खुद का एक नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक मेरा जहाँ तक मानना है सिलेक्शन पाना इम्पॉसिबल है। तो जो भी किताबें या जो भी आप प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे हैं, तो उन सारे से कंक्लूजन ड्रा करके एक अपना नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज बनाते जाइए, उसको नोट करते जाइए, ठीक है। तब जब आपका एग्ज़ाम नियर हो जाएगा, 15-20 दिन एक महीना बचेगा, जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला रहेगा, अभी तो कुछ पीजीटी 2022 वाले की कोई सूचना नहीं है, लेकिन जब भी होगा तब आप उन नोट्स को आपके लास्ट समयों में देख सकते हैं। बाकी अपना उस बीच में 15-20 दिन के एक हफ्ते के बीच में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पेपर लगाइए, वो ऐसा पेपर जो आप लगा चुके हो या कहीं से भी ऑनलाइन आजकल बहुत सारे चल गए हैं वहाँ से ले लीजिए, और बहुत सारी किताबें भी आती हैं, बहुत सारी बहुत कम किताबें हैं इस साइंस वालों के लिए, कलेक्शन वाली एक शिल्पी पब्लिकेशन की आती है किताब, जिसमें अब तक जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे किसी भी टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें कलेक्शन दिया जाता है और साथ ही साथ उसका आंसर भी दिया जाता है। ज़्यादातर मोस्टली आंसर जो है सर तक, किसी किसी में थोड़ा सा मैनुअल एरर होता है तो गलत हो जाता है, तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुधीर भैया, जो हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी जुड़ी हुई हैं केमिस्ट्री की, तो उनको असल में कोचिंग तो करनी आ रही है, तो उनके लिए कुछ बताइए, कुछ घर पे कोई रह के जैसे आप लोगों ने तैयारी की होगी। अच्छा, अभी मेरे इस साथ का एक फ्रेंड है, वो हायर एजुकेशन में आप लोगों ने, हम लोग जो यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़े हैं जब 11th 12th में, तो डॉक्टर KN शर्मा की एक बुक चलती थी, तो वो अपने पोस्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट जो भी प्रोफेसर रहे होंगे, तो वहाँ से वो रिटायर हो गए, उन्हीं के पोस्ट पे उसका हायर में हो गया DN कॉलेज मेरठ में, तो उस वो अपना एक ऑनलाइन बैच चलाता है, ठीक है, टीचमेंट के थ्रू शायद, तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, 1500 रुपये शायद होगा मैक्सिमम, तो उसमें नोट्स भी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है, क्लासेस भी शायद लेता है और समय समय पर टेस्ट देता है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है बीच बीच में, और किसी भी चीज़ की सफलता पाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक यही है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूस रहिए। जैसे मान लीजिए आप 2 घंटा आज पढ़ दिए, कल 4 घंटा पढ़े, परसों पढ़े ही नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जो भी आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कीजिए, फिक्स टाइम टेबल कर दीजिए, इस समय चाहे उस समय कोई भी दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो लेकिन आपका वह टाइम टेबल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप 2 घंटा ही दीजिए, लेकिन प्रॉपर डेली दीजिए, उसमें किसी भी तरह का कोताही मत करिए। आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, आप किसी तैयारी की थी आपने? हम जैसे कि हमारा 2015 का MSc है और एक ही साल हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद ही हमारा 2016 में सिलेक्ट हो गए थे लैब केमिस्ट के पोस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। वो पूरा का पूरा श्रेय उस वैकेंसी का जो मैंने क्वालिफाई किया, पूर्णतः मैं NCERT को देता हूँ। NCERT में पढ़ के गया था और MSc कर ही रहा था, उसके बाद ये पेपर हो गया था और मैंने दिया, और NCERT से टू द पॉइंट
क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो नीट वाले बच्चे तैयारी करते हैं केमिस्ट्री वगैरह के, उनको मैं बताता हूँ कि जितनी भी जो भी एनसीईआरटी की किताबें आपके पास हैं उनको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ डालिए, तो पूरे जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ उसी एनसीईआरटी से ही टू द पॉइंट मिलते रहे और मिलेंगे भी। हम तो केवीएस और एनवीएस भी दिया है, इंटरव्यू तक गए हैं, नहीं हो पाया, कहीं और लिखा था तो यहाँ पर आ गया महाराजगंज जिले में, लेकिन उसमें भी देखा है सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्वेश्चन जो है, जैसे हमारे केवीएस की बात करें या एनवीएस की, तो 60-70% क्वेश्चन एनसीईआरटी से, जो आपसे बताया जा रहा पहले ही कि 60-70% एनसीईआरटी से ही आ जाए, तो क्यों ना एनसीईआरटी को ही अच्छे से तैयार कर लिया जाए, उसके बाद बीएससी के कुछ पोर्शन होते हैं और कुछ एमएससी को, तो बहुत कम पोर्शन, लेकिन अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं आपका बेस मजबूत हो जाता है, तो उसी के बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं और वही भी रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख रखा है एनसीईआरटी को जो सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, जैसे कोई जैसे हम हमारे जैसे लड़का को प्लस कोई शॉर्टकट हो इस टाइप का कुछ शॉर्ट केमिस्ट्री में नहीं है शॉर्टकट तरीका, लेकिन टीजीटी कला वगैरह का आप करते हैं तो उनका शायद इंटरव्यू सर डाले थे कि आप 12th किए हुए हैं प्लस अलग से कोई भी डिग्री आपके पास हो तो एक सब्जेक्ट से आप टेक्निकल आर्ट करके आप एक डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप कला की अच्छे से तैयारी की जाकर आपका दिमाग अच्छा है मतलब तब भी आप 1 साल 2 साल 3 साल तैयारी करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप टीजीटी कला के लिए अपेयर भी हो जाएंगे और उसकी तैयारी भी अच्छे से। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जिससे उनका सिलेक्शन हो? मैं यही कहा जो भी किताबें मैंने बताई, हमने बहुत सारे दोस्तों को बताया, उनमें से बहुतों का सिलेक्शन भी हुआ, मेरे सामने नाम भी है उनके, लेकिन बताना नहीं चाहूँगा, बस ये जानिए कि आप जितनी भी चीज़ें अभी आज आपको बताएंगे, पहली यूथ कंपटीशन टाइम की बुक, दूसरी UPPCS की केमिस्ट्री वाली बुक, तीसरी NCERT और कोई साइड बुक जो अपने समय में आपने पढ़ा जैसे KN शर्मा या CBSE वगैरह में अलग चलता है, ठीक है, प्रदीप की बुक, तो उस तरह की किताबें पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी या जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूस रहिए, 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी दिन, और अपने जो स्टैटिक नोट्स है उसको शुरू से ही बनाते चलिए, इसमें कोई भी तरह का कुछ नहीं। जैसे और सर जानते भी हैं कि हमारा एक केमिया क्लासेस नाम का यूट्यूब चैनल है जिसमें क्लास फर्स्ट ईयर और 12th तक के जो भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम होती हैं बच्चों की 9 to 12 तक की, उस पर पढ़ाई जाती है, बताई जाती है। तो चीज़ों को एज ए बर्डन मत पढ़िए, ठीक है, अगर आप चीज़ों को एज ए बर्डन लेकर के पढ़ेंगे तब जान जाइए आपके लिए दिक्कत है। अब एकेडमिक वाले बच्चे करते हैं तो उनके लिए समझ में आता है, बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो उनको टेंशन लगा रहता है क्या होगा क्या नहीं, लेकिन आप कम्पिटिटिव वाले हैं तो आपको तो एज ए बर्डन चीज़ों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, रिलैक्स होकर पढ़िए, कंटिन्यूस रहिए, बस अपने लक्ष्य को फिक्स किए रहिए, उसे डगमगाइए मत, आज नहीं तो कल सिलेक्शन मिलना तय है। और दूसरी बात, जो भी केमिस्ट्री के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं खास तौर पे ये बात बताना चाहूँ, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए, नहीं हुआ PGT में, नहीं हुआ TGT में, तो आप किसी पावर प्लांट्स वगैरह में जा सकते हैं, ठीक है, किसी केमिकल फैक्ट्री में जा सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेस, और एक होता है CPET होता है, ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का एक कोर्स होता है उसमें भी जा सकते हैं, तो केमिस्ट्री वालों के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, बशर्ते आप किस रास्ते पे जाना चाहते हैं ये आप खुद तय करेंगे, आपकी एज जब तक है आप अच्छे से तैयारी करें। मैं तो चाहता हूँ जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है, मैं यही बताना चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन हो ही जाए, अच्छी बात है, लेकिन सीटें कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए केमिस्ट्री का जो भी बच्चा या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो सर के पास मेरा नंबर है, आप इनके यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख ही रहे होंगे, तो कमेंट में बता दीजिए क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, तो वो दूर कर दिया जाए। अगर किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है सर मैं PGT केमिस्ट्री में तैयारी नहीं हो पा रही है, क्या करें क्या ना करें, क्या कोई और तरीका है, या कहीं किसी और स्ट्रीम में मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी और जॉब में जाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं, बाकी मेरा नंबर सर के पास है, जो भी दिक्कतें होंगी सर आपको। तो ये थे हमारे सुधीर सर, और ये यहाँ पे मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर है, हम लोग का निरीक्षण कर रहे हैं, तो थैंक यू सुधीर सर। और इसके साथ ही एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आ रही हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। इसके साथ ही जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।